हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर को लेकर आंदोलन तेज, 28 से चक्का जाम। भीमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र वासियों को पेयजल संकट से निजात दिलवाने की मांग को लेकर नगर वासियों द्वारा गठित नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा स्थानीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान व क्रमिक अनशन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार प्रशासन व क्षेत्र जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर रहा है। नगरवासियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र व विभिन्न समाज भी आंदोलन से जुड़कर समर्थन की होड़ मची हुई है। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के 39वें दिन बारिश के बावजूद धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान श्री मारू प्रजापति समाज द्वारा धरना देकर पीएम व सीएम के नाम उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर नर्मदा का पानी दिसंबर 31 तक उपलब्ध करवाने की मांग की है। समाज के अध्यक्ष जामता राम प्रजापति, कोषाध्यक्ष कस्तूरा राम प्रजापति व सचिव राजेश सोलंकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पहुंचे। यहां करीब घंटा भर धरना देकर समिति की मांग को जायज ठहराते हुए पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार से नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट के कार्य में गति लाकर दिसंबर तक भीमाल क्षेत्र वासियों को पानी उपलब्ध करवाने की मांग की, अन्यथा 28 सितंबर से चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग व समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पूर्व बुधवार रात्रि को एसडीएम आवास के बाहर महिलाओं व पुरुषों द्वारा ढोल, थाली व वांग यंत्र बजाकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। एसडीएम आवास के बाहर लोगों की भारी भीड़ व कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना के चलते एसडीएम आवास विधायक पूरा राम चौधरी व पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह के आवास के बाहर पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल व थाना अधिकारी दूलीचंद गुर्जर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। गुरुवार को भी एसडीएम कार्यालय के बाहर थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। ज्ञात रहे कि यदि सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन का समाधान नहीं निकाला गया तो ये आंदोलन बड़ा रूप धारण कर सकता है, जिसका प्रभाव जिले भर में होगा। इस दौरान कानून व्यवस्था का संकट भी खड़ा हो सकता है। जागरूक टीवी की भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।